दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं वेदांता शेयर के बारे में, और वेदांता शेयर अभी देखना, देखो क्या बोल रहा है। वेदांता निवेश का शानदार मौका, इतना तगड़ा रिटर्न मिलने की गुंजाइश। मेरी बात ध्यान समझो, जब कोई एडवर्टाइजमेंट होता है, जब किसी शेयर के बारे में ज़्यादा बात होता है, तो खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अब देखो वेदांता को अच्छा खासा काम मिल रहा है, क्योंकि अभी वेदांता का काम मिला है, लेकिन शेयर परचेस कर रहा है कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा बात आप पर आता है, और आप करें कि ना करें। देखो मैं खुद बोलता हूँ, आप खुद एनालिसिस करो, मेरी बात पे यकीन मत करो, आप खुद एनालिसिस करो, समझो इस बात को, समझे, क्योंकि पैसा आपका है मेरे भाई, समझो। अभी मैं बताऊंगा कि इसे बाय करे कि ना करे, मेरी बात ध्यान समझना। अब देखना यहाँ पर बहुत सारे न्यूज आएंगे, जहाँ पर वेदांता के बारे में अच्छी खबरें बहुत सारी आएंगी, और जो इसका आप देखिए, जो इसका ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ मैं अगर एक दिन का ग्राफ देखूँ, देखो इतना अच्छा खासा उछाल मार रहा है, ये देखो ये उछाल मार रहा है। अब आप सोचोगे मैं इसे खरीद लूँ, लेकिन मैं यहाँ आपको रोकूंगा, मना करूंगा कि मत खरीदो। अब बात समझना, जब दो चीज याद रखना, देखो बिना बात के वॉल्यूम आ जाए बहुत तगड़े तरीके से, ठीक है, कुछ इसमें रिटेलर भी हो सकते हैं, जो आप जैसे हम जैसे लोग होते हैं न्यूज पढ़ के आ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ तुमको, ये और ये दो कैंडल बहुत ही गंभीर कैंडल है। अब देखो ये गंभीर क्यों है, मैं अगर इनका प्राइस को कैलकुलेट करूं, अगर ले आता हूं, देखो मैं यहां से यहां तक लेता हूं उसको, यहां से यहां तक 141 रुपए का बढ़ोतरी किया है इसने, ठीक है। अब यहां थोड़ा सहम जाओ तुम, और इसका आरएसआई देख रहे हो आप, आरएसआई देखो, यहां पर आरएसआई देख रहे हो, आरएसआई कुछ और कह रहा है, ठीक है। अब जो ये एक बैग अपने आप को बढ़ा रहा है और न्यूज में आ रहा है, रीजन बड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला है, तो मैं तो अभी के लिए आपको ना, अगर मैं 30 टाइम के फ्रेम में जाता हूँ, तो मैं अभी मना करूँगा। क्यों, समझो इस बात को, देखो मैं क्यों मना कर रहा हूँ। बिना सपोर्ट के एक, देखो ऐसे आना फिर ऐसे बढ़ना समझ आता है, लेकिन बिना सपोर्ट के एक बैक यहाँ से एंगल ऊपर उठ जाना, कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर निवेश सही नहीं है। अब यहाँ के मैं ओवरव्यू पे आता हूँ, ओवरव्यू पे जाते हैं हम लोग, और ओवरव्यू पे जाते हैं, देखो प्रमोटर कितना है, म्यूचुअल फंड वाले से में कितना है, 2.13%, लेकिन ये बहुत नीचे बिलो पे बैठे हुए हैं, जब काटेंगे पूरा एक लंबा टर्निंग बिलो पॉइंट आएगा आपका। ये शेयर अच्छा है मैं बोल रहा हूँ, अगर आप में दम है कि मैं इसे रख सकता हूँ, ज़्यादा इस पर क्वान्टिटी मत लगाओ, ज़्यादा पैसा मत लगाओ, अगर आपके पास 5,000 है 6,000 लगाओ, 7,000 लगाओ, ज़्यादा मतलब हो सकता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है आपको पूरा डाउनफॉल में कर दे, मैं इस शेयर को अच्छा नहीं मानता। दूसरी बात, क्योंकि हमेशा ये शेयर इतना नीचे डाउन जाता है फिर ऊपर जाता है, डाउन जाता है ऊपर, तो ये बड़ा ही खतरनाक चीज़ होता है, और इसमें आप पैसा लॉस मेंटलिटी आप हरास होगे और पैसा लॉस करने जाओगे। मैं आपको एक ऐसा शेयर बताता हूँ ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा, आप ध्यान समझो इस बात को। अगर आप ब्रिटानिया बिस्कुट खाते हो, अगर आप मैगी खा रहे हो, ये दिन प्रतिदिन महंगे हो रहे हैं, और इनकी संख्या, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, और मार्केट में इनका दाम भी बढ़ रहा है, और लोग भी कैप बढ़ रहे हैं खाने वाले, तो इनका शेयर का दाम बढ़ेगा, सच्चाई बता रहा हूँ तुमको। इन पर पैसा लगा दो तुम, निश्चित से लॉन्ग टर्म्स के लिए 1-2 साल के लिए बैठे रहो, लेकिन इस पर खतरा है, इस कंपनी का मैं नहीं बोलूँगा। तो शॉर्ट टर्म्स के लिए थोड़ा सा खेलना चाहते हो, रिस्क लेके खेलना चाहते हो, तो खेल सकते हो, लेकिन मैं मना करूँगा अभी के लिए बाय कंडीशन करने के लिए आपको, क्योंकि मेरा ये कहना है कि आप बाय तब करिएगा जिस तरह का मैं 30 के फ्रेम में जाता हूँ, उसमें 30 के फ्रेम में जा रहा हूँ, तो कम से कम देखिए, अगर मैं यहाँ हूँ 30 के फ्रेम में आता हूँ, तो कम से कम देखिए, जो इसने बहुत बड़ा हाइक लिया है इधर देख रहे हैं, ये कम से कम इसका ना ये 416 रुपए के समथिंग, या 433 से भी नीचे मैं तो बोलूँगा, क्योंकि ये बहुत रिस्की शेयर है, कुछ भी ऑपरेट हो सकता है इसमें, आपका पैसा बहुत मेहनत का है भाई, कोई भी उड़ा के ले जाएगा, दिल से रोओगे, इसलिए बोल रहा हूँ बच के। शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है, जो लोग सोचते हैं शेयर मार्केट में आकर लाख रुपए बना लेंगे, भैया यहाँ बैठे हुए पहले से, आजकल तो और ज़्यादा खतरनाक मतलब बोलते हैं ना
मगरमच्छ बैठ गए हैं, तालाब है तो, अगर समुंदर है तो सार्क मछलियां हैं, आप छोटी छोटी मछली को तुरंत खा जाएंगी वो, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आप इस शेयर को मत ले अभी, बाय ना करें, क्योंकि ये पूरी तरह से अभी अनस्टेबल है और इसे स्टेबल होने दें अभी, और इसके जो भी मालिक हैं, जो भी ऑनर हैं, अभी इनको काम करने दें, अभी इन्होंने प्रूफ नहीं किया, जितना हल्ला कर रहे हैं कंपनी के बारे में, मुझे ही लग रहा है इन्होंने अभी कुछ काम किया है, कुछ ऐसा कुछ करके नहीं दिखाया है, कुछ डेवलपमेंट नहीं किया या कुछ मार्केट का वैल्यू नहीं बनाया, मार्केट कैपिटलाइजेशन इनका उतना बढ़िया नहीं बनाया अभी, बहुत कुछ इनका नेगेटिविटी है। मैं तो 99% आपको ना दिल से बताता हूँ, टेक्निशियनली आपको अभी मना करूँगा कि आप बाय ना करो, आने वाले कल में मैं बताऊँगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन अभी के लिए मैं मना करूँगा। तो वेदांता का शेयर अभी आप होल्ड करिए, अगर आप ले चुके हैं तो देखिए क्या करना है, जितना शॉर्ट अप्स हो निकलिए, या अभी ऊपर बढ़ेगा, ऊपर जाएगा जैसे आप बेच के निकल जाइए, ज़्यादा वेट मत करिए, अगर आप ले रखे हैं प्रॉफिट मिल रहा है, ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको फंसा देगा ये, ठीक है, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है भाई, मैं बता दे रहा हूँ शेयर का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ईयर में।